उतरो आरव, उतार दो शूज पहनाया इसीलिए मैंने उसे, बैठा दो आरव को भी वहां पे। स्माइल स्माइल करो आरव, वो चिपका हुआ एकदम, हाँ वो चिपका हुआ डर के मारे। मजा आ रहा है? और हम यहाँ पे झूल रहे हैं झूला। आरव आरव की धुक 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 हो रही है, ना वो बोल रहा है ना वो हिल रहा है, और आरव बोलने पे और रो रहा है। तो गाना शुरू हो गया। पुश करके कितना इजी, वैसा वाला नहीं है बेटा, बहुत दूर तक नीचे आएगा, ये इतना ही रहता है। तो अभी हम जिस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं हम उसके मज़े ले रहे हैं, क्योंकि कल हमें यहाँ से चेकआउट करना है। और ये खुद में इतनी सुंदर जगह है कि आप दो दिन आराम से बिना कहीं बाहर गए इस बंगलों में ही बता सकते हैं। और इसके आसपास का एरिया घूम के, जो कि मैंने आपको अपने प्रीवियस ब्लॉग में घुमाया, आसपास का कॉफ़ी प्लांटेशन। और अगर आपने मेरा वो प्रीवियस या खुर्ग मेरा ब्लॉग सीरीज़ नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा देख के आपको। और अभी बहुत ही सुबह सुबह की मॉर्निंग है, ये मॉर्निंग 7:30 का टाइम है। और इसके बाद हम जाएंगे वाटरफॉल, क्योंकि सुबह ही हमें कवर करना है वाटरफॉल। उसके बाद देखेंगे अगर कहीं जा पाए तो जाएंगे, क्योंकि अगर वाटरफॉल में ज़्यादा टाइम स्पेंड हो गया तो और कहीं जा नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अभी खुली नहीं है पेंडेमिक की वजह से। तो चलिए देखते हैं आज हम हमारा दिन कैसे जाता है, हम कहाँ कहाँ जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। धनकू नाम ढनक गए, ढनक ढनक ढक ढनक ढक 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 ढक, कहाँ कहाँ कहाँ। जूते पड़े नहीं है, उसको आदत नहीं है ना ऐसे शूज वगैरह पहन के चलने की, आदत डलवा रहे हम। पूरा ऐसे ऐसे हिल हिल के चल रहा है, हिल हिल के नाचो नाचो, गेट अप गेट अप। हल्के हल्के नाचो, हिल हिल के नहीं। ये सुबह सुबह दिख रहे हैं हमें तो रोज़, कितने सारे लगे ना, लाइट पिंक डार्क पिंक। अच्छा ये रोज़ नहीं है पीछे वाला, वो दूसरा कुछ है, वाइट रोज़ वो है पीछे। पपीते ये सूख गए, लगे लगे हमें नहीं, मत तोड़ो हमें, किसी और का पता लगे टोक दे। सूख गए हैं क्यों, तोड़ के फायदा क्या, एक मूली ला के रखे हो वो तो बन नहीं पा रही है। ये क्या कर रहे हो? अब हम लोग आ गए एबे वाटरफॉल्स, और पता नहीं पानी तक नहीं जा पाएंगे, हर जगह ऐसे ही स्यापा होता है, ये सब क्लोज कर रखा है इन्होंने, क्लोज है वो, पानी तक शायद नहीं जा पाएंगे। बट हम पूरे उससे आए थे प्लान से जाएंगे। ट्राइपॉड रह गया यार, यही है बस, वहां तक नहीं जाने मिलेगा। मिताशी देख के सीढ़ी जैसा है, यहाँ पे स्टेप्स है। आराम से स्लोली 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 स्लोली। तो ये अब हम आ गए एबे फॉल्स। तो अगर आप पानी को दूर से ही देखने में खुश हैं लाइक इस तरह से, तो बहुत अच्छा था ये वाटरफॉल, सीनिक था फ़ोटो वगैरह के लिए। बट पानी छूने नहीं मिला, हमारी सारी तैयारी वेस्ट हो गई, जो हम कपड़े वगैरह लेके आए हैं सुबह सुबह सब पैकिंग वैकिंग करके। और धूप देखिए, ये 10:30 का टाइम है और इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, और आप फेस पे मेरे अभी देखिएगा इतनी स्वेटिंग हो रही थी। और फिर हम इस और कहीं भी नहीं गए, यहाँ पे हम हाफ एन आवर मुश्किल से रुके, क्योंकि नीचे तक आने के लिए भी बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ उतर के आना पड़ा और बच्चे परेशान हो रहे थे। फिर हम सीधा घर गए यहाँ से 12:30 बजे, और थोड़ा सा रेस्ट किया, कुछ बनाया खाया पिया और पैकिंग की हमने, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमें निकलना था। इसलिए बाय द टाइम वाटरफॉल हो गया है, यहाँ पे आरव इन्जॉय कर रहे हैं अपने गाने।
हाँ, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। हम निकल चुके हैं और ये हाफ रास्ता क्रॉस हो गया है क्योंकि ये हम लंच करने के लिए रुके हुए हैं। ये मांड्या से आगे एक बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट था हाईवे के पास में, तो मुझे लगा मैं एक कैप्चर करना बनता है। और इनके पास कुछ शॉप्स में चीज़ें भी थी जो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके की थी। तो इसी के साथ मैं अपना आज ये कुर्ग सीरीज़ भी एंड करती हूँ, और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा कुर्ग घूम के मेरे ब्लॉग के थ्रू। बहुत जगह नहीं गए क्योंकि गर्मी थी और प्लस चीज़ें बंद भी थी जैसा कि मैंने बताया। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो कुर्ग आना चाहते हैं और घूमना चाहते हैं। वो थोड़ा सा स्नीक पीक ले सकते हैं कि कैसी जगह है, और फिर वो इसको देख के अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं कैसे जाना है, क्या करना है। अभी गई। मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय। मिताशी हैंड वॉश करना है, मिठू और फेस वॉश करना है। आजा फेस वॉश करा दूं। वैसे ही बढ़िया, यहाँ का लोकल है सब।